हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बहुत सारे इंडियंस कार के साथ ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो अपने पास कितने सारे इंडियंस कार है, और आज दोस्तों हम लोग इन सभी इंडियंस कार को यहां से लेकर के जाएंगे। और भाई यहां पर देख सकते हो कि हमने पूरे के पूरे रास्ते में कितने बड़े बड़े पाइप्स लगा रखे हैं भाई। तो यहां से अपने सारे के सारे कार्स को भाई इसको चढ़ना है और फिर उधर उतरना है। तो आप देख सकते हो यार कितनी बड़ी पाइप है यहाँ पर भाई। अपने सारे के सारे जो कार्स है उन सभी की ग्राउंड क्लियरेंस पता चलेंगी। तो देखने वाले कौन कौन सी जो अपनी कार है भाई इन सभी पाइप्स को भाई साहब पार करते हुए अपने इस फिनिश पॉइंट तक आएगी। देख पाओगे कितना ज़्यादा पाइप है भाई वहाँ तक है। तो देख सकते हो जो भी कार्स अपनी भाई साहब इस फिनिश पॉइंट तक आ जाएगी वही अपनी कार आज की विनर बनने वाली है। तो देखने वाले हैं कौन कौन सी जो अपनी कार है वो भाई साहब इन सभी के सभी पाइप्स को पार करके अपने मिशन को कम्प्लीट कर पाएगी। तो आज का यह जो मैच है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरा देखना वीडियो को। चलिए हम लोग एक एक करके इन सभी कार्स को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले जो अपनी कार होने वाली है वो होने वाली अपनी टाटा हैरियर। तो चलिए अपनी टाटा हैरियर को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी जो टाटा हैरियर है वो कैसी परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ओहो भाई अपनी जो टाटा हैरियर, ओ भाई कितनी अच्छी तरीके से भाई साहब देख सकते हो सारे के सारे पाइप्स को अभी तक तो काफी अच्छा चढ़ रही है। आगे देखने वाली बात होगी क्योंकि भाई हमने आगे और भी बड़ी बड़ी पाइप्स लगा रखे। ओहो क्या मस्त अपनी टाटा हैरियर भाई साहब जा रही है, आप देख सकते हो भाई। इससे पता चलता है कि अपनी जो टाटा हैरियर है यार इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा होती है। ओ भाई, और यहाँ पर अपने जो टाटा हैरियर वो भाई फंसी है, लेकिन भाई अब देख सकते हो भाई क्या खतरनाक परफॉर्म कर रही है। और भाई साहब ओहो क्या मस्त भाई साहब देख सकते हो यार अपनी टाटा हैरियर फाइनली यार बहुत ही सिंपल तरीके से मुझे लगता है ये अपने मिशंस को करने ही वाली है। और भाई ये लास्ट पाइप है और देख सकते हो यार अपनी टाटा हैरियर कितनी सिंपल तरीके से भाई इतनी बड़े बड़े भाई साहब पाइप्स को पार कर पाई है और ये अपने मिशंस को कंप्लीट कर पाई है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी महिंद्रा थार। तो चलिए अपनी थार को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी जो थार है वो कैसी परफॉर्म करेगी। अभी आपने देखा भाई साहब अपनी हैरियर क्या बेहतरीन परफॉर्म किया, और भाई अपनी थार तो यार क्या कुछ परफॉर्म करी आप देख सकते हो भाई अपनी थार भाई सब सभी कार्स में। ओहो भाई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी ओपी है भाई देख सकते हो यार इतने बड़े बड़े पाइप्स को लग रहा है कि भाई कितनी सिंपल तरीके से कर रही है भाई, और कार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ओ भाई यहाँ पर इसकी हल्का सा बम्पर लड़ा है और देख सकते हो यार अपनी थार, ओ माई गॉड कितनी सिंपल तरीके से यार अपनी जो महिंद्रा थार है वो भाई इस मिशंस को कंप्लीट कर पाई है। मतलब इसको ज़्यादा समय भी नहीं लगा है और बहुत ही आसानी के साथ आ गई है। तो चलिए चलते अपनी अगली कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी सुजुकी वैगनार। तो चलिए अपनी वैगनार को लेकर चलते हैं और देखते हैं भाई अपनी जो वैगनार है, ओहो और भाई ये कितनी अच्छी गई है यार पहली पाइप्स को तो भाई कितनी खतरनाक है जंप ली है। तो देखते हैं भाई, और भाई साहब अपनी वैगनार भाई कितनी अच्छी जा रही है भाई। थोड़ा सा हमको बैक करना पड़ा क्योंकि आपको पता ही है, और भाई यहाँ पर वैगनार की जो हालत है वो बुरी होनी है स्टार्ट हो चुकी है। क्या ये जा पाएगी भाई देख सकते हो कितनी ज्यादा इसकी बम्पर लड़ रही है, और नहीं भाई दो भाई साहब पाइप को काफी अच्छे से पकड़ पाई है लेकिन आगे ये नहीं जा रही भाई साहब आप देख सकते हो क्योंकि भाई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखो और पाइप की भाई साइज को देखो यार यहाँ पर जो अपनी वैगनार है वो यार मुझे लगता है फेल कर जाएगी अपने मिशंस को। और भाई फाइनली देख सकते हो अपनी जो वैगनार है वो भाई इस मिशंस को नहीं कर पाएगी। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ और उसकी हालत भाई साहब बुरी हो चुकी है। तो अपनी जो वैगनार है वो भाई साहब इस मिशंस को फेल करती है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा कम है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी टोयोटा इनोवा। तो चलिए अपनी इनोवा को लेकर चलते हैं और देखते हैं यार अपनी इनोवा के लिए ये कैसी परफॉर्मेंस होने वाली है कैसी ये मिशन होने वाली है। और आप देख सकते हो यार अपनी इनोवा कितनी सिंपल जा रही है भाई साहब बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी इनोवा भाई इतनी खतरनाक वाली मिशंस को कर रही है देख सकते हो कितनी बड़ी गाड़ी है। लेकिन भाई साहब ओहो ओ माई गॉड आप देख सकते हो यार कितना मस्त परफॉर्म कर रही है यार देख सकते हो कार की जो हालत है ना भाई वो थोड़ी बहुत बुरी हुई है लेकिन आप देख सकते हो फाइनली अपनी जो
इनोवा है वो भी यार इस मिशन को कंप्लीट कर पाई है, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। आप देख सकते हो इतनी खतरनाक भाई आज का चैलेंज है, लेकिन अपनी इनोवा, महिंद्रा थार और भाई साहब अपनी टाटा हैरियर क्या बेहतरीन परफॉर्म किया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी सुजुकी विटारा ब्रेजा। तो चलिए अपनी सुजुकी विटारा ब्रेजा को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी जो सुजुकी विटारा ब्रेजा है ओहो क्या बेहतरीन आई है भाई साहब। आगे देखते हैं क्या ये जा पाएगी या भाई साहब यहाँ पर फंसेगी। और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर अपनी यार वैगनार फंसी है वहीं पर ये भी फंस रही है, लेकिन भाई ये क्या जा पाएगी। और भाई यहाँ पर अपने जहाँ सुजुकी विटारा ब्रेजा क्या ये निकल पाएगी। नहीं भाई एक बार और इसको चांस देने की मैं कोशिश करता हूँ और मुझे लगता है अब चली जाएगी। और देख सकते हो भाई सुजुकी यहाँ पर देख सकते हो भाई विटारा ब्रेजा क्या मस्त जा रही है यार। बुरा हालत तो इसका हो चुका है, बम्पर वगैरह टूट चुका है, लेकिन यार ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म अभी तक की है। अब मुझे नहीं पता आगे। और भाई ये क्या बेहतरीन परफॉर्म कर रही है यार, भले ही इसको यार दिक्कत तो हो रही है लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा जा रही है। अब यहाँ से शायद ये नहीं जाने वाली है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पाइप है कुछ ज़्यादा ही ऊँचा। और भाई यहाँ से भी ये निकल जाएगी क्या, यहाँ से भी ये निकल पाएगी क्या। ओहो और देख सकते हो भाई, देख सकते हो यार क्या गजब निकल रही है भाई साहब, यहाँ से भी निकल जाएगी। मुझे लगता है अब तो भाई कहीं अपने मिशंस को ही ना कर ले। देख सकते हो भाई साहब, ओ भाई साहब कितनी खतरनाक भाई। अब देख सकते हो यार सिर्फ और सिर्फ दो ही पाइप्स बची है, लेकिन यार कार की हालत को देखो यार कितनी बुरी हो गई है यार। इतनी अच्छी जो कार थी भाई वो इतनी खराब हो चुकी है, क्योंकि भाई ये जो खतरनाक वाला चैलेंज जो कर रही है भाई। और देख सकते हो यार अपनी जो सुजुकी विटारा ब्रेजा है वो भाई इस मिशंस को भले ही यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, लेकिन फाइनली देख सकते हो यार अपने इस मिशंस को कंप्लीट कर पाई है। लेकिन आप एक बार जरा कार की हालत देखो यार, कार में बचा ही क्या है भाई साहब, देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। आपको यार सुजुकी विटारा ब्रेजा के लिए तो एक लाइक करना बनता है। सो गाइस अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी टाटा सफारी। तो चलिए अपनी टाटा सफारी को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई ये कैसी परफॉर्म करेगी। अभी आपने देखा भाई साहब सुजुकी विटारा ब्रेजा क्या खतरनाक परफॉर्म की है, तो देखते हैं भाई अपनी जो टाटा सफारी है वो कहां तक सर्वाइव कर पाती है। और भाई यहां देख सकते हो भाई साहब, ओहो और ये फंस चुकी थी, तो थोड़ा सा मैंने इसको ड्रिफ्ट किया और भाई ये बुरा फंसी है। देख सकते हो यहाँ से हमको उतारना ही पड़ेगा इसको। और भाई साहब यहाँ देख सकते हो यार अपनी जो टाटा सफारी है कितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है यार, बहुत ज़्यादा। और मुझे नहीं पता कि ये जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, देखने वाली बात है। क्या ये पहुँच पाएगी। नहीं भाई ये कितनी ज़्यादा इसको दिक्कत हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और भाई कहीं इसकी टायर ना ब्लास्ट हो जाए। ओहो भाई साहब ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रही है इसको, मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, एक बार और इसको चांस देता हूँ, अगर जाना होगा तो जाएगी, नहीं तो भाई साहब ये अपनी जो टाटा सफारी है वो भाई शायद से इस मिशन को फेल करने ही वाली है। यहाँ पर देख सकते हो यार मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा, लेकिन अपनी जो टाटा सफारी है वो भाई साहब ओहो। और यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा कम है और ये भारी गाड़ी है भाई, इसके चलते ये शायद नहीं जा पा रही है और पता नहीं है जा पाएगी भी या नहीं। तो भाई फाइनली अपनी जो टाटा सफारी है वो फेल हो चुकी है, इसको मैं साइड लगाता हूँ भाई, क्योंकि यार मैं यहाँ पर पूरी दिन भी कोशिश करता रहा तो शायद ही अपनी टाटा सफारी मिशंस को कंप्लीट करेगी। सो अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी देसी महिंद्रा बोलेरो। और भाई यहाँ पर बोलेरो को कोई दिक्कत हो सकता है क्या, आप लोग हमें कमेंट में बताना। मुझे तो नहीं लगता भाई, मुझे तो कुछ नहीं लगता कि अपनी बोलेरो को भाई यहाँ पर थोड़ी भी दिक्कत होने वाली है। लेकिन यहाँ पर देखो यार इसका थोड़ा सा भाई साहब, क्योंकि आगे वाला जो पाइप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यार मतलब अपनी बोलेरो की भी स्थिति जो बुरी है भाई, उसका बम्पर वगैरह सब कुछ टूट चुका है, लेकिन कितनी अच्छी जा रही है भाई, ये देखो आप, ये देखो कितनी अच्छी जा रही है अपनी बोलेरो। ओ माय गॉड क्या मस्त जा रही है यार। और भाई ये पलटी क्यों है यार, इसको पलटना नहीं था यार, फटाफट से जल्दी से सीधे हो जा भाई साहब। ओहो और भाई क्या खतरनाक अपनी बोलेरो जा रही है भाई, देख सकते हो। और कितनी सिंपल तरीके से अपनी जो बोलेरो है वो भाई इस मिशन को कंप्लीट किए, आप जरा यहाँ पर देख ही सकते हो। तो भाई साहब देख सकते हो अपनी बोलेरो भी इस मिशन को कंप्लीट कर पाई है, तो इसको यहीं पे साइड लगाते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी हुंडई की वरना। वैसे भाई हमको इस मिशन में अपनी वरना को तो नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि भाई अपनी वरना से हो नहीं पाएगी ये मुझे जहां तक लगता है। तो देखते हैं भाई अपनी जो वरना है क्या इस मिशन। ओ भाई ये कितनी अच्छी कर रही है भाई साहब, अब देखो जरा यार, मैं क्या ही गलत में ही बोलने जा रहा था यार अपनी वरना के बारे में। यार मुझे डर लग रहा था कि अपनी शायद वरना इस मिशन को नहीं करेगी भाई,
लेकिन यार आप देखो जरा एक बार क्या मस्त ये कर रही है भाई, क्या मस्त। ओहो भाई यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि इसकी ज़्यादा तारीफ हो गई ना शायद इसके चलते, और भाई यहाँ पर कहीं ये फंस ना जाए मुझे लगता है भाई साहब। देखता हूँ भाई ये क्या जा पाएगी, नहीं भाई अपनी वरना यहाँ पर दिक्कत काफ़ी ज़्यादा कर रही है। क्या ये आगे निकल पाएगी, और भाई निकल चुकी है अपनी वरना, और देखता हूँ भाई क्या ये आगे तक जा पाएगी। यार अपनी वरना काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है यार, मुझे लगा था कि अपनी जो वरना है वो यार इस मिशन को तो ऐसे भी, लेकिन भाई देखता हूँ अभी मैं किसी को फेल और पास नहीं बोल सकता। और भाई अपनी वरना क्या ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है भाई, क्या ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, देखो जरा आप एक बार देखो यार अपनी वरना। ओ माय गॉड क्या खतरनाक जा रही है यार वरना अपनी, और मुझे लगता है अब तो भाई इसको कोई नहीं रोकेगा, भले ही ज़्यादा टाइम लगा दे लेकिन भाई इसको कोई नहीं रोकेगा। मैं यहाँ पर जरा इसको घुमा लेता हूँ एक बार, ओके। ओ माय गॉड अपनी वरना क्या खतरनाक यार, क्या खतरनाक। और फाइनली ओ भाई बढ़ जा थोड़ा सा इसको दिक्कत हो रही है यहाँ पर, और देख सकते हो भाई अपनी वरना। ओ माय गॉड फाइनली अपनी जो वरना है वो इस मिशन को कंप्लीट कर पाई है। यार मैं झूठे ही बोल रहा था कि अपने वरना को क्यों लिया, लेकिन भाई अब देखो यार अपनी कार की जो हालत हुई है कितनी भयंकर कितनी बुरी हो गई है, लेकिन भाई साहब प्राउड फील हो रही है अपनी वरना के सामने, भाई गजब परफॉर्म की है। सो गाइस अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी स्कॉर्पियो S11, तो चलिए अपनी S11 को लेकर चलते हैं और देखते हैं यार अपनी जो S11 है क्या इसमें परफॉर्म करेगी। क्या लगता है आपको अपनी S11 क्या इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगी, आप हमें कमेंट में बता सकते हो। और भाई S11 के साथ तो बुरा हो रहा है भाई, ये क्या देखने को मिल रहा है भाई S11 भाई साहब। ओहो लेकिन भाई साहब अपनी S11 वैसे तो भाई इसमें निकल जाएगी, कोई दिक्कत का सामना इसको नहीं, थोड़ी बहुत तो भाई परेशानी सभी कार्स को ही है, तो अपनी S11 के साथ भी वो थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन भाई अपनी S11 भाई इन सभी के लिए है भाई, ऐसे ऐसे ऑफ रोडिंग तो कितना सारा वो करती है। तो देख सकते हो भाई अपनी जो S11 है भाई कितनी अच्छी तरीके से ये भाई साहब फाइनली बस ये दो और पाइप से भाई, और भाई साहब देख सकते हो अपनी S11 इस मिशन को कितनी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाई है भाई फाइनली, और अपनी S11 यार बहुत अच्छी तरीके से इस मिशन को कंप्लीट कर पाई है। तो चलिए उसको यहीं पे साइड लगाते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी सुजुकी डिजायर, तो चलिए अपनी इस प्यारी सी डिजायर को लेकर चलते हैं और देखते हैं यार अपनी जो डिजायर है वो कैसी परफॉर्म करेगी। और भाई अपनी डिजायर क्या खतरनाक जा रही है भाई साहब, क्या मस्त जा रही है आप ये देखो। ओ माय गॉड और भाई 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 क्या है? ओ भाई यहाँ पर दिक्कत होनी स्टार्ट हो चुकी है अपनी डिजायर की, भाई साहब कितनी अच्छी जा रही है, देखते हैं भाई ये कहाँ तक सरवाइव कर पाती है, क्या ये अपनी जो डिजायर है। और नहीं भाई ये देखो यार कितनी बुरी हो रही है अपनी डिजायर की हालत, तो यहाँ पर मैं एक बार और इसको लेकर चलता हूँ भाई डिजायर, और देखो यार निकल चुकी है अपनी डिजायर यहाँ से काफ़ी अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्या ये निकल पाएगी भाई साहब, ये देखने वाली बात होगी। अपनी डिजायर मतलब काफ़ी ज़्यादा इसको भी स्ट्रगल करना पड़ा, आपको पता है भाई छोटी गाड़ी है दिक्कत तो होगी। और भाई साहब यहाँ पर अपनी डिजायर भी निकल चुकी है, आगे कहाँ तक ये सर्वाइव कर पाती है, क्या ये निकल पाएगी। ओ भाई साहब कितनी दिक्कत हो रही है इसको यार। यहाँ पर भाई साहब मैं इसको फिर से सीधा करता हूँ और लेके चलने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पर देखो भाई ये नहीं यार ये क्यों ऐसे हो रहा है यार, मतलब डिजायर के साथ तो बुरा हो रहा है, डिजायर के साथ बुरा हो रहा है भाई। लास्ट चांस और मैं अपने डिजायर को दे रहा हूँ, अगर वो कर पाई तो सही है, नहीं तो भाई कोई बात ही नहीं है। तो चलो भाई यहाँ पर डिजायर चलिए अपनी और लास्ट चांस को, क्या ये कर पाएगी, और बहुत अच्छे से कर रही है। नहीं भाई अरे नहीं यार अपनी जो डिजायर है यार ये क्यों ऐसे कर रही है यार, क्यों कर रही है ऐसे। और भाई साहब इस बार निकल जाएगी, क्या खतरनाक निकली है, आगे देखते हैं भाई साहब। और यार अपनी डिजायर अब नहीं जा पाएगी क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रगल हो रही भाई डिजायर के सामने। तो चलिए भाई साहब इसको यहीं पर साइड लगाते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी टोयोटा फॉर्चूनर, तो चलिए अपनी इस प्यारी सी फॉर्चूनर को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी जो फॉर्चूनर है वो कैसी परफॉर्म करेगी। ओ भाई क्या लगता है यार अपनी फॉर्चूनर इस मिशन को कर पाएगी, और देख सकते हो यार आप देखो जरा इसको एक बार कितनी सिंपल तरीके से चल रही है भाई, लग रहा है जैसे स्पंज में चल रही है भाई साहब। ओहो भाई अपनी फॉर्चूनर यार कितनी मस्त जा रही है, कितनी मस्त जा रही है यार, मतलब क्या है ये सच में यार अपनी फॉर्चूनर यार वन ऑफ द बेस्ट कारों में से एक है यार। अब देख सकते हो अपनी फॉर्चूनर भाई साहब बहुत 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 ही सिंपल तरीके से भाई अपने मिशंस को कंप्लीट कर पाई है। अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी हुंडई की वेन्यू, तो चलिए अपनी इस प्यारी सी वेन्यू को लेकर चलते हैं और भाई अपनी वेन्यू की परफॉर्मेंस देखते हैं, और देख सकते हो भाई अपनी वेन्यू। ओ भाई ये पलट रही है भाई, ये स्टार्टिंग में ये पलट रही है
और भाई साहब यहाँ से लेके चलता हूँ अपनी वेन्यू को, देखता हूँ ओहो कितनी अच्छी जा रही। अरे भाई बार बार क्यों पलट रहे हो भाई, एक बार पलट गया हो गया यार। लेकिन भाई कोई नहीं, अपनी वेन्यू काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे, तो देखते हैं भाई यहाँ पर वेन्यू निकल पाएगी क्या। और यहाँ पर अपनी वेन्यू के साथ भाई कुछ खेला तो हो गया है, ये मुझे पता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ से इसको फिर से लेके चलता हूँ। ओहो और क्या ये अपनी वेन्यू निकल पाएगी, फाइनली निकल चुके भाई यहाँ से फाइनली। और देखते भाई आगे, यहाँ पर दिक्कत होनी स्टार्ट हो चुकी है अपनी वेन्यू की। और भाई क्या ये निकल पाएगी, क्या ये निकल पाएगी, और हाँ निकल पाएगी भाई, निकल पाएगी। कितनी कितनी ज़्यादा यार दिक्कत हो रही है अपनी वेन्यू को, देखो जरा। और क्या बुरी हालत हो गई है भाई साहब अपनी हुंडई की वेन्यू की। लेकिन 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 भाई यहाँ पर और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ओ भाई क्या ये यहाँ पर नहीं जा पाएगी भाई साहब, क्या ये निकल पाएगी। अरे नहीं ब्रो ऐसे ना करो, और अपनी वेन्यू, अरे भाई साहब यहाँ से देख सकते हो अपनी जो वेन्यू की भाई, एक बार ग्राउंड क्लियरेंस देखो आप। अरे भाई देखो पूरी की पूरी टकरा जा रही है, और भाई ये फ्री हो चुकी है इसकी टायर, तो चलो इसको साइड लगाते हैं। और अपनी जो वेन्यू है भाई, उस मिशन को फेल कर चुकी है। सो गाइस अब जो हमारी अगली कार होने वाली है, वो होने वाली अपनी महिंद्रा XUV 500। ये हमारी मिशंस की ये आखिरी कार है, तो देखते हैं भाई सब अपनी जो 500 है वो कैसी परफॉर्म करेगी। वैसे भाई अपनी महिंद्रा की कार्स को तो आपको पता ही है कि कितनी मस्त परफॉर्म करती है। जैसे कि आपने थार को देखा, वो भाई क्या मस्त परफॉर्म की थी, और वैसे ही भाई अपनी 500 भी जा रही है भाई, क्या खतरनाक जा रही है, आप देखो जरा एक बार। ओहो भाई क्या मस्त जा रही है भाई, ये बात तो है भाई साहब, आप मतलब देखो यार कितनी मस्त जा रही है यार, ये देखो भाई साहब। ओ भाई अपनी जो 500 है भाई, कितनी सिंपल तरीके से ये अपने मिशंस को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। और फाइनली देख सकते हो अपनी जो XUV 500 है वो भाई इस मिशंस को कंप्लीट कर पाई है। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, क्योंकि भाई मुझे ये वीडियो खेलने में काफ़ी ज़्यादा मजा आया, तो उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपसे मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।